इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबरें जो निकल करके वो सामने आ रही है वो ये है कि निगम के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, यानी जो 6 निगम के लिए जो चुनाव हुए थे 3 बड़े शहरों में, उसके परिणाम आ गए हैं, जिसके अंदर सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी को दो दो निगम मिले हैं जहाँ पर उनके बोर्ड बनेंगे। इसके अलावा दो जो हैं निगम वहाँ पर अभी निर्दलियों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है मामला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सारी सब कुछ गणित पार्टी बिठाने में लगी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी जिसमें जुटी हुई है। कल से बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो गया था, क्या कुछ है इसमें खास, कौन महापौर बनेगा, इसके ऊपर जानकारी देंगे मेरे साथी दिनेश डांगी। साथ ही उनसे चर्चा करेंगे गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर और कांग्रेस का जो कल बड़ा एक प्रदर्शन है, जो हाथरस मामले को लेकर के, महिला उत्पीड़न को लेकर के कार्यक्रम दिया गया था आलाकमान की ओर से, उसके ऊपर यहाँ जयपुर में भी एक कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे उनसे। सबसे पहले बात करते हैं निकाय चुनाव की। महापौर के लिए आज नामांकन का पहला दिन था, बाड़ेबंदी भी हो रही है, किसकी दावेदारी ज़्यादा नज़र आ रही है जयपुर में? जी देखिए, 6 में से 4 नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बनना तय है। 2 जगह स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला है और 2 जगह निर्दलियों के सहारे महापौर बनना तय है। कोटा के दोनों महापौर की पूरी जिम्मेदारी शांति धारीवाल को दी है, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार है, उनका नाम आज रात तक फाइनल कर देंगे। कल सभी नामों का खुलासा ऑटोमेटिक करना होगा क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है। जयपुर हेरिटेज के अंदर कांग्रेस के जो निर्दलीय पार्षद हैं मुस्लिम 7-8, वो उनके पाले में आ चुके हैं। होटल में आंकड़ा उनका 55+ अब हो चुका है। हेरिटेज के लिए 2 महिला दावेदारों के नाम सामने आए हैं, सुनीता मावर और हुनेश गुर्जर। हुनेश गुर्जर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की विधानसभा से हैं और उनकी पहली पसंद है, तो सुनीता मावर के साथ अन्य 3 विधायक हैं वो साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 21 कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद जीत कर आए और जिन्होंने निर्दलीय समर्थन दिया वो सभी मुस्लिम हैं, तो 27-28 जब मुस्लिम पार्षद उनके हो चुके हैं तो ये एक रणनीति बनाई जा रही है कि किसी महिला मुस्लिम ओबीसी को महापौर बनाया जाए। इसके लिए सहमति अभी नहीं बन रही है, वहीं आकर बात टिकी हुई है। तो ऐसे में महेश जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात तक किसी एक नाम पर यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर मुस्लिम ओबीसी महिला महापौर होगी तो फिर कह सकते हैं कि हिंदू कोई डिप्टी में बनाया जाएगा। अगर सुनीता मावर और उमेश गुर्जर में से एक महापौर बनता तो फिर ये तय है कि मुस्लिम चेहरा डिप्टी महापौर होगा, लेकिन अभी एक पद मुस्लिम समुदाय को जाएगा इनमें से। बिल्कुल उनका है, क्या कांग्रेस को पता है उनकी वजह से 25 साल बाद एक नगर निगम में जयपुर में बोर्ड बनना जा रहा था, वो तो किंतु परंतु बचा ही नहीं कि आप नज़रअंदाज करें मुस्लिम पार्षद को। दूसरा, जो जयपुर के अंदर जो कल कांग्रेस का एक जो बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आतरस की घटना को लेकर AICC ने कार्यक्रम जारी किया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसकी तारीख है वो अब तय हुई है। तो कल शहीद स्मारक पर कांग्रेस 2 घंटे धरना देगी। दलित एवं महिला उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें दावा किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे, PCC चीफ डोटासरा मौजूद रहेंगे, और एक मैसेज इस धरने के तहत कांग्रेस देगी कि किस तरह महिलाओं और खासतौर से दलितों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं देश भर में बढ़ती जा रही है और भाजपा को दलित और महिला विरोधी पार्टी करार देने के लिए यह धरना जो है कल दिया जा रहा है। तमाम जयपुर के अन्य जो बड़े नेता है, मंत्री है, विधायक है, वो भी इस धरने में मौजूद रहे। साथ ही जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है, 4th दिन है, जो नीरज के पवन एक IAS अफसर है, वो सरकार की तरफ से वहाँ पर दूत बन करके गए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, कुछ निकल के आया है रिजल्ट अभी तक? जी देखिए, लगातार 4th दिन भी गुर्जर रेलवे ट्रैक पर है, बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे भी जाम है, 2 जगह काफ़ी दिक्कत हो रही है, 60 से ज़्यादा ट्रेनें डाइवर्ट की जा चुकी है, 250 बसें हैं, उनका संचालन बदला गया है। पहले मंत्री अशोक चांदना को भेजा गया था लेकिन उनसे बातचीत नहीं बनी, तो फिर सरकार ने नीरज के पवन, जिनकी कर्नल बेंसला से अच्छी ट्यूनिंग है, कल से उनको फिर वहाँ ट्रैक पर भेजा और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। लिखित में एक मसौदा वहाँ पर तैयार हुआ है। दूसरे गुट के गुर्जर नेता भी ट्रैक पर पहुँचे हैं, तो सुलह की जो उम्मीद है वो पूरी होती कहीं ना कहीं दिख रही है, वार्ता भी जारी है। साफ कहा है बेंसला ने, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो ट्रैक से नहीं उठेंगे, तो हो सकता है देर रात तक या फिर कल तक कोई सहमति यहाँ पर बन सकती है। अगर सहमति नहीं बनी, सरकार कह रही है कि उन्होंने पूरी मांगे मान ली है, तो अब कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसके ऊपर अभी भी कर्नल बेंसला अड़े हुए हैं, या केवल एक अपना वजूद कायम करने के लिए बेंसला ये सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार जो 14 उनकी मांगे थी उन पर लिखित में जो अपना समझौता है दे चुकी है, रजामंदी दे चुकी है, लेकिन बात कर्नल बेंसला और उनके बेटे विजय बेंसला की अपने वर्चस्व की है, क्योंकि उन्होंने
इस आंदोलन का आगाज किया था, शुरुआत की थी, तो आखिर कैसे चाहें कि इसका क्रेडिट दूसरे गुट को मिले? तो बस बात वहीं फंसी हुई है। तो वो चाहते हैं कि जैसे 3 नौकरी देने का वादा हुआ है, उनको 5-5 लाख की आर्थिक मदद का वादा हुआ है, वहाँ बेटे अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र और चेक सौंपना चाहते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी वार्ता करें लेकिन आंदोलन जो है उन्होंने के बाद ये आंदोलन समाप्त होगा और हम इस क्रेडिट की बड़ी लड़ाई होगी, लड़ाई का अंत करेंगे अगर आगाज किया। तो ये मैसेज देने की कोशिश है, उसी के रूप में पुल का काम कर रहे हैं नीरज के पवन, क्योंकि उनकी अच्छी ट्यूनिंग है कर्नल बेंसला से और सरकार का ये कदम, ये रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको केवल जो बेल आइकॉन नज़र आ रहा है आप इसको टच करेंगे तो आपके पास तमाम अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।